या सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ बुक एनालिसिस ऑफ अ न्यूमेरिकल अप्रोच विथ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, संजय कुमार की बुक का हम लोग कंप्लीटली सॉल्यूशन कर रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें आज हमारा सेकेंड डे है, इन विच वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, जो कि आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कल का जो लेक्चर डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि देखिए ये आप लोगों के लिए है ना, दिस इज़ फॉर यू। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये बुक्स, अगर ये हार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहा जा सकता है, अभी जैसे अभी हम जगदीश और सहाय लाएंगे वो बुक, और ये सारी जो बुक्स मैं करवा रहा हूँ ये हार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अगर ये बुक्स अगर पढ़ लिए आप लोगों ने, यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन विच इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, किसी भी एग्जाम क्रैक कर देते हैं। स्पेशली ये जो बुक बनी है गेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो दे आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर दिस बुक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम लोग नंबर 11 में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है अ सिलैंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर इज यूज इन न्यू दिल्ली। सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर को यूज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में, उसको सिचुएट किया गया, इसमें जो है इसको सिचुएटेड किया गया 28 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ में, 77.2 डिग्री ईस्ट में। कंपेयर द बीम रेडिएशन, इसमें बीम रेडिएशन के द्वारा कंपेयर करना है, विच वुड पुल 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द अपार्चर प्लान। ओके, जो क्या है 1 स्क्वायर मीटर अपार्चर प्लान ऑफ द कलेक्टर फ्रॉम 6 to 18 BLAT, ओके, लेटीट्यूड ऑन June 10 फॉर द 5 ट्रैकिंग मोड, जस्ट डिराइव द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ IBR अवेलेबल। ओके, IB के वैल्यूज दी हुई है और टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम में इतना हम लोग को वाट पर मीटर के हिसाब से IB निकालना होता है ना। तो जिसने भी बायोगैस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सोलर सेल वगैरह, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारी चीज़ों को। तो जैसे यहाँ पर देखिए 6:30 में 110 दिया हुआ है, 7:30 इस तरीके से 8:30 है, 9:30, 10:30, 11 ऐसा, मतलब 11, 12, 13 ऐसे, मतलब 11:30, 6:30 से लेकर के 5:30 तक इसमें स्केड्यूल किया गया। तो 6:30 में देखिए 110 दिया है, 7:30 में 240 दिया है, 8:30 में 333, 9:30 में 424, 10:30 में 495, 10:30 में 11:30 में 550, 12:30 में ये 13, मतलब ये अलग अलग टाइप से इसमें टाइमिंग दिया टेबल के फॉर्म में हमको। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है, ऑन जून 10, ओके, जून 10 में यहाँ पर क्या दिया है कि एन की वैल्यू दी है 161 एंड डिफ्लेक्शन दिया है 23.012, है ना, 23.012 डिग्री दिया है। फाई की वैल्यू इसमें 28.558 डिग्री दिया है, ओमेगा की वैल्यू दी है, डब्ल्यू की वैल्यू 22.5 इसमें गिवन। ओके, तो ये सारी इसमें क्या है, वैल्यूज आर गिवन। नाउ वी शो अ सैंपल कैलकुलेशन फॉर वन टाइम। ओके, सैंपल कैलकुलेशन लाइक 10:30 आर में हमको सैंपल कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है, तो कॉस, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्यू जेड इज इक्वल्स टू साइन फाई इंटू साइन डेल प्लस कॉस फाई इंटू कॉस डेल इंटू कॉस ओमेगा। अब इस वैल्यूज में पुट कर दो सारी वैल्यूज को, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन 28.588 डिग्री, साइन 23.012 डिग्री प्लस कॉस 28.58 डिग्री, और ये सारी वैल्यूज को पुट करके जब आप यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस क्यू जेड इज इक्वल्स टू 0.99 9338, इसमें से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है कि क्यू जेड की वैल्यू कितनी आ रही, तरीके से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्यू जेड। ओके, और नाउ फ्रॉम ट्रैकिंग मोड, अब हम लोग बात करते हैं आगे की ट्रैकिंग मोड के लिए, इसमें आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आती है साइन स्क्वायर डिफ्लेक्शन प्लस कॉस स्क्वायर डिफ्लेक्शन इंटू कॉस ओमेगा। नाउ द साइन स्क्वायर डिफ्लेक्शन वैल्यू ऑफ पुटिंग द 23.012 प्लस कॉस स्क्वायर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 23.012 और कॉस 22.5 हमने पुट कर दिया, लाइक वी विल फाइंड द कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फ्रॉम द क्वेश्चन। क्योंकि ट्रैकिंग मोड के लिए जा रहा है, तो ट्रैकिंग मोड के लिए हम ट्रैक करने के लिए अभी इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 0.9335 इसमें वैल्यू आ जाएगी। नाउ देयर फॉर टिल फैक्टर RB, अब इसमें देखिए टिल फैक्टर क्या है RB, अब RB फॉर द ऑपरेटर प्लान, ओके, टिल्ट फैक्टर जो है RV दिया है, और इसमें फॉर द अपार्चर प्लेन के लिए तो RV इज इक्वल्स टू दिया है
we know about that cos theta upon cos theta z. Okay, now the value of the cos theta you have to calculate in from you had done calculated to the value of cos theta and cos theta z. तो यहाँ से दोनों की value put कर देंगे and this is the R. Okay, tilde factor कहते हैं इसको, directly find करें मतलब, तो RB की value हम लोगों ने यहाँ से find किया. Now आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है beam flux incident normally on aperture plane. अब जो incident plane जो normally aperture पे work कर रहा है like IB into RB. IB कितना दिया है बेटा 495 into RB की value दे दिए यहाँ पर 10023. From this equation we will get the value of 495.3 watt per meter square. अभी देखिए थोड़ा concept heavy concept है. You should have to understand basically कि इसको एक दो बार देखेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा. क्योंकि ये थोड़ा हैवी क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि अप लेवल में आता है इन द सोलर एनर्जी. ओके आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है अ फार्मर गेट 60 केजी डंग एवरीडे एंड 60 किलो डंग ये क्या करता है एवरीडे निकालता है. फ्रॉम द बियर्ड ऑफ कटल ही ऑन्स द साइज ऑफ द बायोगैस प्लांट दैट वुड बी कंस्ट्रक्टेड यूटिलाइजिंग द डंग. एक फार्मर है जो कि 60 केजी डंग एवरीडे निकल मिलता है उसको भी 60 केजी ओवर जो होता है डंग जो होता है उसको मिला. फ्रॉम द हियर्ड ऑफ कैटल वन द साइज ऑफ बायोगैस प्लांट दैट शुड बी कंस्ट्रक्टेड यूटिलाइजिंग दिस डंग. अब इस डंग को यूटिलाइज 60 केजी डंग आ रहा है भाई इसको यूटिलाइज कैसे कर. तो यूटिलाइज करने के लिए कितने केजी का हमको बायोगैस बनाना पड़ेगा वो हमको फाइंड करना है. तो वी नो दैट द 1.0 केजी डंग प्रोवाइड्स 0.037 मीटर क्यूब ऑफ गैस. कि एक केजी डंग जो है ये इतना हमको मीटर क्यूब गैस के फॉर्म में हमको प्रोवाइड करता है. कि अगर हम एक केजी डंग की बात करें तो एक केजी डंग जो है ये इतना प्रोवाइड करता है 0.037 गैस. देयरफॉर 60 केजी डंग अगर हम 60 केजी डंग की बात करें 60 × 0.037 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आपस में 2.22 मीटर क्यूब आ जाएगा. फ्रॉम द इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 2.4 मीटर क्यूब. ओके तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी तो उसका पॉइंट के बाद की थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 2.4 मीटर क्यूब. ओके तो आपने सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी आज सॉल्व कर लिया. तो आपको बस जो जो चीज़ पूछा रहता है बेटा आप बस बता 60 केजी डंग के लिए कितना 2.5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का आपको क्या चाहिए बायोगैस का प्लांट है ना बायोगैस का वो डाइजेस्ट. एक के जी के लिए आपको पता रहता है एक के जी के लिए कॉन्स्टेंट दिए तो बस 60 के जी के लिए निकाल लेना. बहुत ईजी क्वेश्चन था. देखिए ये क्वेश्चन देखिए ये भी ईजी क्वेश्चन लग रहा है. अब बाइसिकल एर्गोमीटर रिक्वायर एन एवरेज टॉर्क जो बाइसिकल है उसमें एर्गोमीटर लगा हुआ है. एर्गोमीटर रिक्वायर एन एवरेज टॉर्क ऑफ 21 न्यूटन मीटर. ओके 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाएंगे एट अ पर्टिकुलर लोड है ना एक पर्टिकुलर लोड पे. द मशीन इज ऑपरेटेड बाय पेडलिंग इट एट स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट. एंड द मशीन जो है ऑपरेट कर रही पेडलिंग के द्वारा एट स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट 40 रिवोल्यूशन पर मिनट कर रही. द साइकोलॉजिकल एनर्जी ओके साइकोलॉजिकल एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट एट द वर्क एफिशिएंसी ऑफ 24% वुड बी व्हाट. 24% पे आपको साइकोलॉजिकल एनर्जी फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच गिवन वैल्यूज आर टी दिया सबसे पहले इसमें दिया टी टी इज इक्वल्स टू दिया 21 न्यूटन मीटर बट एन दिया है 40 आरपीएम एम दिया है 24% ओमेगा दिया है 2πn. अब यहाँ 2πn में से जो भी वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 40 आरपीएम दिए 40 को यहाँ पुट कर दो ना तो 2 × π × 40 = 60 ये कैंसिल हो जाएगा. तो अभी जो भी वैल्यू आएगी तो यहाँ से 4.189 रेडियन पर सेकेंड के फॉर्म से यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. एनर्जी पूछा था साइकोलॉजिकल कि डब्ल्यू कितना वर्क कितना तो ओमेगा की वैल्यू पूछा था सर कि इसमें क्या हो रहा है बाइसिकल एर्गोमीटर. बाइसिकल एर्गोमीटर लाइक बाइसिकल कौन सा मूवमेंट करता है लाइक वो चीज़ तो वहाँ से एर्गोमीटर जाना लगा तो वहाँ से बना. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 4189 रेडियन पर सेकेंड. नाउ ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी. ओके then the power you should have to calculate like power is equals to what t into omega power is equals to t into omega and t ki value aayegi 21 omega ki value aayegi 4.189 and after that the you will get the power is equals to 87.969
वॉट. ओके, इतनी हमको पावर मिल गई. नाउ इट विल, दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर वॉट. अब एक्चुअल वैल्यू देखें पावर की, तो पावर की एक्चुअल वैल्यू आती है 87.969 वॉट के फॉर्म में. तो अब हम लोग जब जैसे ही वी विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी होती है पी एक्चुअल अपॉन पी थेरेटिकल. ओके, एक्चुअल पावर कितनी होती है और एक होती है थेरेटिकल पावर. तो एक्चुअल पावर इंटू थेरेटिकल पावर कर देंगे तो 87.96 और ये आ गई 0.24. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, पी थेरेटिकल वैल्यू आ गई 366.5 वॉट. पावर ऑन थेरेटिकल मोड इज पावर ऑफ थेरेटिकल वॉट 366.5 वॉट, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई. तो इस तरीके से बड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको उसमें पावर पूछा था एक्चुअल पावर. देयर इज अ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन लाइक वी हैव टू सॉल्व. अब आपके मेन क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पीछे नहीं छोड़ना है. अगर लेक्चर वॉच कर रहे हैं बेटा तो पूरा देखिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है. ओपन करके भी आप लोग तो कोई मतलब नहीं है ओपन करने से, ठीक है ना. तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय बीम रेडिएशन विद द नॉर्मल लोड टू अ प्लेट कलेक्टर ऑन डिसम्बर एट 9 बजे के समय. इसमें क्या क्या है, नॉर्मल टू अ प्लेट कलेक्टर लगा दिया दिसंबर 9 बजे. जस्ट सेकेंड बेटा, एक सेकेंड. कैलकुलेट द एंगल मेड बाय बीम रेडिएशन विद द नॉर्मल टू अ प्लेट कलेक्टर. ओके, नॉर्मल से प्लेट कलेक्टर में क्या किया है, इसमें एक बीम रेडिएशन लगा दिया ऑन दिसंबर एट 9 बजे लोकल अपार्ट टाइम LAT में. ओके, द कलेक्टर इज लोकेटेड इस न्यू दिल्ली. अब जो कलेक्टर था ये लोकेट कर दिया गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में. ओके, 28 degree 35 minute north, 77 degree 17 east, tilted at an angle of 36 degree with the horizontal end pointing due to south. For this case, we have to take the value of y is equals to 0 degree Celsius. Calculate the angle of made by the beam radiation. है ना, इसमें beam angle हमको calculate करना है. We know about the directly formula of the question. Okay, जो भी बच्चा course में join है उसके लिए बहुत easy question है, क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने जब फाउंडेशन बैच लिया था तो वहाँ पर भी मैंने अभी बायोगैस का लेक्चर आई थिंक डाला नहीं है, लेकिन इसके पहले की जो बैच थी वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस क्वेश्चन. लाइक वहाँ पर हमने पूरे ऐसी टाइप के क्वेश्चन किए. तो इस केस में फॉर दिस यूज द कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, तो साइन डेल इंटू साइन थीटा माइनस बीटा, कॉस डेल कॉस ओमेगा, कॉस फाई माइनस बीटा. तो आफ्टर दैट वी विल पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एवरी. तो ऑन दिसंबर 1st द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 335. ओके, n की वैल्यू 335. नाउ रिफ्लेक्शन इज व्हाट, रिफ्लेक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे तो 23.45. क्योंकि रिफ्लेक्शन का तो फॉर्मूला सेम रहता है, बस आपके यहाँ पर n की वैल्यू चेंज हो जाती है. रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 23.45 साइन. अब 360 वहाँ पहले कॉन्स्टेंट रहता है, 65 रहता है, यहाँ पर 284 बस यहाँ n की वैल्यू आ जाती है. तो 335 डेज तक के आपका वर्क कर रहा है, 284 तक रिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका -22.11 degree. ओके, तो यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन फाइंड करें. तो फॉर दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्शन. आगे बढ़ते हैं, जैसे ही फिर 9 बजे का समय आपने वहाँ लोकेट कर दिया, तो लोकेट कर दिया एट 9 hr लोकल अपार्ट टाइम, ओमेगा वैल्यू इज -45 degree. तो यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन -21.11 degree टू साइन 28.58 degree -36 प्लस कॉस सी फेस. और ये एक क्वेश्चन रहता है, इसके लिए आपको पूरे कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बुक में डायरेक्ट डायरेक्टली सॉल्यूशन है. तो इसमें जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने के बाद इसमें से कॉट थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.6982. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी द 47.45.7 degree. यहाँ से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.6982 और थीटा की वैल्यू आ गई 45.7 degree. ओके, तो यहाँ से आप बहुत इजी क्वेश्चन है. इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस तो लाइक दिस इज वन वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है डिटरमाइन द लोकल अपार्ट टाइम.
एलएपी कैलकुलेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1430 आर, ओके 1430 घंटे ईस्ट आईएसटी एट बॉम्बे 119 डिग्री 07 मिनट एंड 72 डिग्री 51 मिनट ईस्ट ऑन जुलाई फर्स्ट इन इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज वेस्ट ऑन द 82 डिग्री 50 मिनट आर ईस्ट। तो एल ए टी निकाल लेंगे तो एल ए टी इज व्हाट द एल ए टी इज क्या लोकल अपार्ट टाइम स्टैंडर्ड टाइम इसका फॉर्मूला होता है बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक सम क्वेश्चंस फिल विद द फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज के हेल्प से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन है ना। तो एल ए टी यहाँ से निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम प्लस माइनस 4 स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन प्लस इक्वेशन ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ से जैसे आपने एल ए टी की वैल्यू फाइंड किया तो एल ए टी इज व्हाट 1430 आर माइनस 4 दिस इज द इक्वेशन लाइक 4 मिनट। यहाँ से जैसे आपने एल ए टी फाइंड किया 1429.71 आर में आपकी वैल्यू है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल ए टी फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एल ए टी फाइंड किया तो एल ए टी की वैल्यू आ गई 1429.71 आर 1429.71 आपकी यहाँ से वैल्यू। एल ए टी फाइंड करना था बस एल ए टी की वैल्यू आपने फाइंड किया लोकल अपर्चर टाइम। ईजी क्वेश्चन है हो सकता है बेटा क्वेश्चन में दिक्कतें हो अब पहली बार भी यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ से क्योंकि जो जो बेसिक टर्म्स है सिर्फ वो सारी चीज़ें आपको बनना चाहिए। तो जो जो मैं बता रहा हूँ दिस द इम्पोर्टेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कैलकुलेट द डे लेंथ ऑफ अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट न्यू दिल्ली। अब इसमें देखिए डे लेंथ आपको कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट द डे लेंथ ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस में न्यू दिल्ली की दिसंबर 1 तारीख 1 दिसंबर तक की आप कैलकुलेट कर रहे हैं। वी नो अबाउट द डिफ्लेक्शन इज व्हाट डिफ्लेक्शन इज माइनस 22.11 डिग्री दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नाउ वी नो अबाउट द डेल मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट डेल मैक्स इज इक्वल्स टू 2/15 इंटू कॉस माइनस 10 दिस इंटू 10 दिस। ओके तो यहाँ से जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 10 28.58 डिग्री इंटू 10 माइनस 22.11 डिग्री। तो यहाँ से डेल मैक्स की वैल्यू आप क्या जाएगी डेल मैक्स इज व्हाट 10 इंटू 30 आर 10:30 में आपका यहाँ से निकल जाएगा। ये क्वेश्चंस बेटा विदाउट प्रैक्टिस यू कांट सॉल्व। अब जैसे ये क्वेश्चन है दिस इज द वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत छोटा है ना। तो इसको बनाएंगे अभी अपन सारी चीज़ें कैलकुलेट कर। इसमें देखिए क्या बोला है फोटोवोल्टिक सिस्टम इन अ सप्लाइंग एक क्या बोला है एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इज इंस्टॉल इन अ विलेज इन राजस्थान एज पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। ओके फोटोवोल्टाइक सिस्टम से हमने जोड़ा ड्रिंकिंग वाटर और इंस्टॉल किया हर गाँव में जाकर राजस्थान एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रिंकिंग मिशन। ओके राजस्थान जो है पार्ट रहा है नेशनल ड्रिंकिंग मिशन का। तो वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ बोरवेल वाटर को क्या है उसमें क्या किया जा रहा है बोरवेल से पंप किया जा रहा है फ्रॉम अ डिप्थ ऑफ 48 मीटर द सोलर सेल आर मेड फ्रॉम सिंगल क्रिस्टल। ओके तो इसमें जो है सोलर फ्रॉम अ बोरवेल बोरवेल से निकाल रहे तो डिप्थ में 48 मीटर डिप्थ जाने पर द सोलर सेल जो है मैड बनाए गए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन के। ओके एंड द एरे कंसिस्ट ऑफ 24 मॉडल्स हैविंग द स्पेसिफिकेशन इन मॉडल साइज 100 इंटू 50 सेंटीमीटर सेल साइज 10.4 इंटू 10.4 सेंटीमीटर नंबर ऑफ सेल 36 हैं कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द इज 12.8 डिग्री 8% एंड दैट द इन्वर्टर एफिशिएंसी इज 85% द पंप मोटर सेट एफिशिएंसी इज 44-45%। इसमें वो कैलकुलेट करना है द वाटर डिस्चार्ज रेट सारी चीज़ें दी हुई है बेटा इन विच मैंने जो जो बताया आपने सुना होगा अच्छे से। तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन यहाँ बोला है कैलकुलेट द वाटर डिस्चार्ज रेट एट द नून आफ्टरनून है ना व्हेन द ग्लोबल रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सेल इज 945 वाट पर मीटर। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेटिंग द वाटर डिस्चार्ज रेट फॉर वॉट कैलकुलेटिंग वाटर डिस्चार्ज रेट वी नो अबाउट द मॉड्यूल मॉड्यूल साइज
first of all, we should know about the module size. Second of all, we should know about the cell size. Third of all, we should know about the number of cells. Fourth of all, we should know about the conversion efficiency. So for the module size, this will be the 100 into 15 centimeter. And for the cell size, it will be 10.4 into 10.4 centimeter. Number of cells, if you calculate, the, this is the 36. Conversion efficiency is 12.8%. Assume that the conversion efficiency of 12.8% is based on the cell area in merit for global reason. From this, power output from array, we'll calculate the power output array is what? Incident flux into cell area into conversion efficiency. So we will put the value here, 945 into 124 into 015. Okay, this is the incident flux. Cell area is what? 0.104 into 36. Cell area conversion efficiency is what? 0.128 is the conversion efficiency. We will find the value of 1130.4 watt is the value of conversion efficiency. The power output answer. Now the power available for lifting water or kidney power lagari hamko power lift karne ki to 1130.4 into 0.85 into 0.45. We know we will find the value of 432 into 4 joule ke form mein hum logon ne value calculate. Now the water earth power is what? The water earth power is 432.4 watt, and we will convert this in HP. For the conversion in HP, like we will divide the this 432.4, aise hum log 746 ka division kar denge, find the value of 0.57 HP. Yahan se we will find the value of water earth power. तो ऐसे मतलब वाटर आर्थ पावर की अगर वैल्यू देखें तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी इनटू हेड, क्वांटिटी में लीटर पर मिनट के बेसिस पे देखेंगे और ये 4500 के बेसिस पे डिस्चार्ज रेट इज लीटर पर मिनट, डब्ल्यू एच पी इंटू 4500 इंटू हेड. तो यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज रेट निकालेंगे तो डिस्चार्ज रेट वी विल फाइंड द 3262.5. यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. If you have to remember the all formulas, you will solve the every types of questions which are related to the book. And this is the book's question, not other question. That's the important point. That was book key question. Next, dekhte hain biogas ka question hai. Isme bola hai design a biogas plant for a farmer. And a biogas plant humko design karna hai farmer ke liye. Having a 20 dairy animals. Because these dairy animals assume dung production per animal in a day as 11 kg. हर एनिमल के डंग को अगर देखे तो एनिमल जो है एक दिन में 11 kg का डंग देता है. डेंसिटी ऑफ स्लरी इज 500 किलोग्राम पर मीटर. तो स्लरी का जो डेंसिटी है वो 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. एंड द 1 kg काउ डंग प्रोड्यूस 0.1 मीटर क्यूब ऑफ गैस. और जो वन डंग है प्रोड्यूस करा 0.1 मीटर क्यूब ऑफ द गैस. नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ द डंग पर डे इज व्हाट? द नंबर ऑफ डेयरी एनिमल इनटू डंग प्रोडक्शन पर एनिमल इन अ डे. ओके, तो नंबर ऑफ डेयरी एनिमल्स हम लोग डेयरी का एनिमल्स निकालेंगे. 20 डेयरी एनिमल्स प्रेजेंट है, 11 तो 220 केजी यहां से आपने फाइंड कर लिया. तो 20 एनिमल्स का डंग प्रोडक्शन पर एनिमल इन अ डे इज 11. 220 केजी में जो है डंग अवेलेबिलिटी. नाउ द टोटल गैस प्रोड्यूस पर डे, टोटल गैस कितना प्रोड्यूस करी? तो पर डे के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 220 इंटू 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो है गैस प्रोड्यूस हो रही. इतने वॉल्यूम में हमारी गैस प्रोड्यूस. डेली चार्ज वॉल्यूम की बात करें तो मास ऑफ स्लरी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्लरी द ऑफिशियल फॉर्मूला. मास ऑफ स्लरी इज व्हाट? मास ऑफ स्लरी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्लरी के फॉर्मूले से हम लोग वी विल इक्वेट दिस द मास ऑफ डंग एंड वाटर एंड डेंसिटी ऑफ स्लरी वी विल कैलकुलेट. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 220 प्लस 220 अपॉन विद 500 इज इक्वल्स टू 440 अपॉन 500 एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.88 मीटर क्यूब. हैं यहां से वी हैव टू गेट द वैल्यू टेकिंग टिल पोर्शन ऑफ डंग एंड वाटर. ओके, वाटर का टेल पोर्शन हम लोग लेंगे. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम. नाउ द वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइजेस्टर वॉल्यूम एंड डेली चार्ज वॉल्यूम इनटू रिटेंशन टाइम. वी विल
multiply by the retention rate, we will get the value of 0.88 into 35 and 13.8 meter cube. Okay, so this is the digester volume. This is the digester volume. We will get 13.8 meter cube. Okay. Now the actual volume may be taken as 10% more for gas retention. We will get the actual volume is what? The actual volume may be taken as 10% more for gas retention. The actual volume of digester is what? The actual volume of digester is 33.8 meter cube. Suppose shape of digester is cylindrical and the ratio of the height of H and diameter is D, then the unit of volume is what? In this case, we will know about the pi by 4 D square into H is the volume of triangle. ना तो यहाँ से पाई बाई फोर इंटू एच स्क्वायर निकाल देंगे, एच की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी पाई बाई फोर इंटू फोर की पावर एच क्यूब, पाई बाई फोर एच क्यूब जो होता है 33.88 के इक्वल में है ना, तो यहाँ से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एच क्यूब, तो एच क्यूब यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 33 इंटू 88 अपॉन पाई, और एच की वैल्यू यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे 3.509 मीटर ए डी की हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से वी विल कैलकुलेट द वैल्यू। Now the volume of the gas to be retained by the gas holder is V1, 1/2 total gas produced per day. Okay, so 1/2 यहाँ रख देंगे 220, इसमें total gas produced हो रहा है 0.1 के फॉर्म का 11 मीटर के ऊपर, इससे हम लोगों ने वैल्यू 11 मीटर के। Now the V1 is equals to pi by 4 d square h, है ना, तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकालें तो V1 is equals to what given is the 11 pi by 4 d square into h, तो h की वैल्यू ये हो गई 3.507 डी स्क्वायर हो गया। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द एच इज व्हाट 44 पाई पाई इनटू 3507 होल क्यूब। नाउ द वैल्यू ऑफ एच इज व्हाट, तो एच की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे तो 1.067 मीटर यहां से इज द आंसर। दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ टुडेस लेक्चर। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी नॉट अंडरस्टैंडिंग। कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आए होंगे, तो समझ में आ गए हैं लेकिन पहली बार देख रहे हैं आप, क्योंकि दिस द 9 क्वेश्चंस आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लाइक अलग से ही बने हैं ये क्वेश्चन। तो इसको मैंने भी जब देखा था फर्स्ट टाइम तो आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज कि लाइक अरे यार ऐसे क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमको सॉल्व तो पूरा ही करना है बेटा, क्योंकि वी विल गॉट द रैंक इन एग्जामिनेशन, नॉट फॉर द बेसिक्स। हम लोग पढ़ना है तो हमको वी क्रैक द एग्जामिनेशन, तो पढ़ने के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस थे, इसको वन बार रिपीट कर लीजिए लेक्चर को पूरा, सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है, सारी चीज़ें बहुत बेसिक से क्लियर की। ओके, तो थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके।